हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हमने आपको कराया है 2019 का प्रैक्टिस सेट का नंबर है, कोड है FM। इसका कोड और लिख लीजिए, FM है। और तीसरा प्रैक्टिस सेट है 2019 का, जिसका प्रश्न है दूसरा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और ये का खा घा घा 4 खंडों में विभाजित किया गया, यानी 8 नंबर का प्रश्न है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लेने और 8 नंबर का प्रश्न ये हल कर देना है। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं का। जब किसी जालक केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर उपस्थित अन्य 2 परमाणुओं के संपर्क में होता है तो संरचना की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। विकर्ण मतलब बताया अंतःपेट में, विकर्ण हमेशा क्या होगा, कोष्ठिका के अंदर होगा, विकर्ण यानी पेट के अंदर होगा। अब कैसे होगा देखिए, जैसे ये कोष्ठिका बता रहा है आपको, ऐसी घनीय एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा एक बीच केंद्र में उपस्थित होते हैं। ये लीजिए आपकी कोष्ठिका बनने वाली है और ये बनकर तैयार हो गई। ऐसी घनीय एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होते हैं और एक दूसरे में संपर्क में रहते हैं। ये बात हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात की जाती है, ये लीजिए प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित होगा, ये परमाणु एक दूसरे से टच होता है, यही वो बता रहा। और बता रहा एक परमाणु विकर्ण रूप से स्थित है, यानी के बीच केंद्र में उपस्थित है और ये कोष्ठिका बन जाती है BCC, यानी कुल परमाणुओं की संख्या BCC में होती है 2, टोटल 2 होती है। इसकी संकुलन क्षमता निकालने के लिए ये आपस में भी टच होते हैं, ये बीच केंद्र वाला भी इन 2 के संपर्क में है। अगर हम इसको ज़्यादा बड़ा बना देंगे तो ये इतनी अच्छी संरचना नहीं बन पाएगी, इसलिए इन्हें थोड़ा दूरी पर बनाते हैं। अब ये देख लीजिए कितने कोण बनकर तैयार हो गए, देख लीजिए त्रिभुज ABC और D बनकर तैयार हो गया, 2 त्रिभुज ABC और BCD त्रिभुज बन गया। और आप अब जानते हैं कि एक घन की प्रत्येक भुजा A होती है, A A A A A A, और ये चूंकि ये भुजा फर्श पर आप एक कोने से तिरछे कोने पर ले जाएं, तिरछा रूप ले जाएं, तो ये भुजा ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसको नाम देते हैं B, और ये वाली भुजा उससे भी बड़ी हो जाएगी। एक कमरे के कोने से नीचे वाले कोने से दूसरे कमरे के ऊपर वाले कोने से आप मिलाएंगे तो भुजा ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसका नाम रख देंगे हम C। अब लिखेंगे क्या, अब स्टार्ट करेंगे त्रिभुज ABC। पहले त्रिभुज हम लेंगे ABC, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में जब हम इस त्रिभुज को बाहर निकालेंगे तो ये ऐसी संरचना मिलेगी, और ये ए भुजा, ये ए भुजा और ये बी भुजा है, तो ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय बताता है, और ये ए, ये बी और ये सी है, तो BC² क्या लिखेंगे, BC² प्लस AB² बराबर AB² प्लस AC² ये हो गया। अब हम इसको क्या बताएंगे, भुजा का नाम देंगे, BC को बी से दिया B², ये A² हो गया और ये A², टोटल जोड़िए तो क्या हो जाएगा, B² बराबर 2A² और B का स्क्वायर इसे दे देंगे तो ये रूट इसको खा लेगा, तो ये 2 पर रूट आ जाएगा, ये √2a हो गया। इसी प्रकार से अब त्रिभुज हम लेंगे BCD, यानी कि अब इसको मिटा देते हैं, दूसरा रूप है त्रिभुज का BCD, ये त्रिभुज, ये भुजा B है
और ये ए है और ये सी है, जिसमें तीन कण उपस्थित है और ये कोनों पर है। अब इस त्रिभुज में ये क्या है, बी सी डी, इसको बाहर निकाल लिया है त्रिभुज को, तो अब लिखेंगे दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज बी सी डी में। अब देख लिए जो जो सबसे बड़ी भुजा है वो होती है कर्ण, तो क्या होगा बी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर हो गई। अब ये बी सी स्क्वायर को किससे डिनोट किया, सी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है बी स्क्वायर प्लस ए सी सी डी क्या है ए स्क्वायर हो गई। अब यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर क्या है 2a, तो बी स्क्वायर का मान रख दीजिए, चूँकि बी स्क्वायर बराबर होता है 2a, तो यहाँ पर लिख देंगे 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर, इसका रूट इसको दे देंगे तो c बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3a हो गया। अब देख लीजिए चूंकि सी भुजा में कितने परमाणु है तीन, और तीन परमाणु कैसे टच है एक दूसरे से संपर्क में है, तो आर 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 कितनी आर होती है, और ये सी भुजा है, सी भुजा है तो टोटल एक दो तीन चार आर, चूंकि सी बराबर फोर आर, तो सी की जगह पर फोर आर रख देंगे, फोर आर बराबर रूट थ्री ए, और a बराबर हो जाएगा आपका 4r अपॉन अंडर रूट 3, ये a की वैल्यू निकल आई। अब हम लगाएंगे संकुलन क्षमता का फार्मूला, अब इसका काम खत्म हो गया, अब सिर्फ BCC के परमाणुओं की संख्या का मतलब है। अब लीजिए इसकी संकुलन क्षमता बराबर होता है जेड यानी परमाणुओं की संख्या इंटू फोर अपान थ्री पाई आर क्यूब बटे, बटे में क्या होगा ए क्यूब कोष्टिका का आयतन, परमाणुओं की संख्या परमाणु का आयतन और बटे कोष्टिका का आयतन इंटू हंड्रेड, इसलिए लगाते हैं कि कोष्टिका का आयतन जो कण जगह घेरे हुए हैं वो उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है, कितने प्रतिशत जगह घेरे हैं, तो z बराबर कितना है 2 4 अपान पाई 4 अपान 3 सॉरी 4 अपान 3 पाई r क्यूब होता है, तो 4 अपान 3 पाई r क्यूब अपॉन में क्या लिखेंगे इंटू 100 और अपॉन में क्या लिखेंगे a क्यूब का मान, a क्यूब का मान है r, a का मान दिया गया है और इसके ऊपर क्या करना है हमें क्यूब करना है। अब देखिए हल करिए, दो चाकू आठ, आठ बटे तीन पाई आर क्यूब, अब पाई आर क्यूब कर लिया बटे चार का वर्ग करेंगे तो चार गुणे चार गुणे चार, चार चक्कू सोलह, सोलह चक्कू चौसठ हो जाएंगे और आर क्यूब हो जाएगा बटे रूट थ्री, तीन बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे टकराएगा तो दो रूट आपस में गुणा करके एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं और ये हो जाएगा थ्री रूट थ्री। अब आप काट दीजिए इनटू किसका चल रहा है हंड्रेड का, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, आठ एकन आठ, आठ अट्ठे चौसठ, तीन से तीन कट गया, बचा क्या क्रम से लिखेंगे, इधर आ जाते हैं बचा है पाई, पाई का मान रखेंगे सीधे क्या रखेंगे बाईस, बटे में सात कर लेंगे और रूट थ्री ऊपर आएगा तो रूट थ्री इंटू सौ और ये कितना बचा हुआ है आठ इंटू आठ, बटे में बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा रूट थ्री का मान रखेंगे तो बाईस इंटू रूट थ्री का मान होता 1.732 अपॉन सात इंटू आठ इंटू सौ, ये पॉइंट हटाएंगे तो तीन जीरो बढ़ जाएंगी एक के पीछे। अब आपके लिए आसानी हो गई, दो जीरो से दो जीरो कट कर दीजिए, इसे काटिए दो चाकू आठ, दो एकन दो, दो एकन दो, अब इसे काटेंगे चार दो दूनी चार, दो अट्ठे सोलह, दो छंग बारह, दो छंग बारह, अब फिर काटेंगे दो एकन दो,
दो चाकू आठ, दो चाकू आठ, दोतियाँ छः, दोतियाँ छः, नीचे बचा हुआ है सत्तर, कितना बचा हुआ है सत्तर, तो लिखेंगे ग्यारह तियाँ तैंतीस, ग्यारह तियाँ तैंतीस, और ग्यारह तियाँ तैंतीस और तीन कितने होते हैं छत्तीस की छः हासिल आए, तीन ग्यारह चौक चवालीस और तीन सैतालीस बटे सत्तर। अब सत्तर का भाग ना देके डायरेक्ट ऐसे दे लीजिए तो क्या हो जाएगा, सात का भाग देंगे अभी हम दस गुणे सात, या इसको ऊपर ले जाएं तो सत्तर ना छोड़ के सात का भाग दे ले तो सात सौ, सात हजार तिरसठ में हमें सत्तर का भाग देना है, देख लीजिए पहले हम देंगे छः बार, छः सत्ते बयालीस, यानी कि कितना बचेगा छः और यहाँ पे बचेगा पाँच, तो अब देखिए आठ सत्ते छप्पन पूरे पूरे आपके कट जाएंगे, तीन का उतारा लेंगे तो तीन केवल बचेंगे, तीन शेष बचेंगे, आगे कुछ पॉइंटों में निकलेगी उसकी नहीं निकलेंगे, तो टोटल आपका आंसर आया अड़सठ प्रतिशत। ऐसे निकालते हैं संकुलन क्षमता, ऐसे निकालते हैं संकुलन क्षमता, आगे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए जबकि बिलियन 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है, 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है, पहले से ही घुला है, घुला नहीं गया, पहले से घुला है, बिलियन बना हुआ है 440। देखिए कैसे हल करते हैं, इसको आप नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अरे बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम आपके अंकों में एक के पीछे दो जीरो लगवाएंगे, खासकर रसायन विज्ञान के पेपर में, याद रखना है, नो टेंशन, फिक्र नहीं करने का, और एकदम सटीक आंसर लिखना है, बिल्कुल क्लियर साफ सुथरा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, भार, बिले का भार, बिले क्या है, बिले का भार, बिले मतलब है NaOH, NaOH का भार, यही 20 ग्राम घोला गया है, भार बराबर है 20 ग्राम लग गया। हल है दूसरे प्रश्न का, हल खा का प्रश्न, 20 ग्राम और बिलियन संपूर्ण कितना है, बिलियन, बिलियन का आयतन, आयतन बराबर है 440 ग्राम, ये हो गया। आप देखिए आगे क्या क्या है कि मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता का मतलब होता है मोलरता कैपिटल M बराबर बिले के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में, लीटर में चाहिए। अब ये हमें बिले के मोलों की संख्या निकालना है, हमें क्या पता है केवल बिले, तो बिले क्या है NaOH, NaOH का पहले हम निकालें अणु भार, NaOH का अणु भार, अणु भार सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का एक, टोटल हुआ 40, 40 ग्राम प्रति मोल, प्रति मोल होता है। अब इसको निकालें NaOH के मोल, यानी बिले के मोल, NaOH क्या है, बिले पदार्थ, बिले NaOH के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या, संख्या बराबर होता है भार बटे अणु भार, अणु भार, भार कितना है 20 ग्राम, अणु भार कितना आया 40, जीरो से जीरो, दो एकन दो, दो दूनी चार, एक बट्टा दो, अणु भार आए एक बट्टा दो, इसका मतलब है 0.5 मोल, 0.5 मोल रख दीजिए इस पर बिले के मोल, 0.5 निकाले, बिलियन का आयतन 440, ग्राम में है, ग्राम में है तो इसको हमें किलोग्राम में बदलना होगा, 1000 का भाग दे देंगे, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये 100 ऊपर आ जाएंगे, तो आगे हल करेंगे 0.5 इंटू 100 बटे कितना आएगा 44,
कितना आएगा 44। अब ये हो गया 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50/44 बचेगा। अब 50 में भाग दे दीजिए 44 का, 44 एकन 44 कितने बचेंगे 6, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर 44 एकन 44 कितने बचेंगे 44 एकन 44 हो गए तो कितने बचेंगे 6 और यहाँ पर 16, तो 4 चक्कू 16 यानी के कितनी बार चला जाएगा 3 बार, तो कितना 3 तिचौक 12 की 2 हासिल आए 3, नहीं तिचौक 12 की 2 हासिल आया 1, 3 चौक 12 1 13। यदि हम 4 चक्कू 16 करते तो यहाँ पर कुछ हासिल लेके आता तो ये 17 हो जाते। बस इतना ही आप रख दीजिए, आपके मोलों की संख्या कितनी आई, मोलरता 1.3 लीटर, 1.13 लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स, मोल प्रति लीटर इनवर्स, मोल प्रति लीटर बोलेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे यूनिट, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर ये मोलरता होती है, ये इसकी इकाई हो गई, ऐसे लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, कितना है 1.1 वोल्ट, लिखित अभिक्रिया, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए, गिब्स ऊर्जा नष्ट समीकरण पर पहुंच जाइए, नष्ट समीकरण जानते हैं डेल्टा जी जीरो बराबर माइनस एन ई एफ यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त होने वाली ऊर्जा एन ई एफ नंबर फैराडे नियतांक इंटू इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होती है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, इसको निकालेंगे ऐसे, बताया है हमने कि आपको ये 8 नंबर के क्वेश्चन 20 मिनट में हल कर देने हैं, आपको बताते हैं कैसे हल करना है। अगला प्रश्न, हम जानते हैं पहले हम लिख लिया अभिक्रिया क्या है, जेड एन प्लस सी यू प्लस, ये ठोस है, ये एक्वेसस सॉल्यूशन है, अभिक्रिया बन गई जेड एन यानी कि जिंक का ऑक्सीकरण हो गया और कॉपर का अपचयन हो गया, ये सल्फर हो गया, ये एक्वेसस हो गया। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनों का कितना इस्तेमाल हुआ, कितने चार्ज लगे 2, 2 चार्ज लगे तो जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको कॉपर को दिए तभी तो ये अपचयित हुआ, तो एन वक्कल कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, एन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हम जानते हैं डेल्टा जी जीरो बराबर होता है माइनस एन ई एफ, अब ई नोट होगा क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक के लिए बात की जा रही है, अगर ये इलेक्ट्रोड विभव होता तो यहाँ पर नोट नहीं लगाते, तो डेल्टा जी जीरो का मान निकालना है, एन की संख्या कितनी हो गई माइनस 2 इंटू ई का मान कितना दिया गया 1.1 इंटू फैराडे नियतांक, फैराडे 1 फैराडे बराबर होता है 1 एफ बराबर होता है 96,500 कूलाम, कितना होता है कूलाम, तो यहाँ पर लिख देंगे 96,500 कूलाम। अब यहाँ पर ये कूलाम से ये ऊर्जा होती है जूल में, ये किलो जूल में बदल जाएगी, ये हो जाएगा 2.2 माइनस 2.2 इंटू 96,500, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 96,500 में 2.2 जीरो जीरो, 10 दो पंचे 10 दो छंग 12 1 13 दुनेम 18 1 19 इतना ही फिर आएगा 0 0 0 3 9 1 टोटल करिए टोटल 3 9 3 12 9 1 10 1 11 2 तो कितनी आई टोटल कितनी आई 312 पॉइंट और कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है एक अंक बाद पॉइंट लगा देना है तो ये इतनी ऊर्जा आएगी माइनस 200 2130000.0। अब इसको हम पॉइंटों में कर लें तो इसके पॉइंट उठा लें यहाँ पर 1 2 3 तो ये हो जाएगी माइनस 212.3 किलो जूल, किलो जूल अरे इंटू तो लगाना है भूल गए हैं, इंटू का 10 का घात है माइनस 2 3
तीन अंक बाद आया तो माइनस में हो जाएगी, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बढ़ती रहेंगी घातें घटती रहेंगी, तो ये हो गया तीन घातें। अब यहाँ पर क्या लिख दें, किलो जूल, इतनी ऊर्जा मुक्त होती है इस अभिक्रिया को जिंक का ऑक्सीकरण होने पर और कॉपर का अपचयन होने पर मानक इलेक्ट्रोड व्यव का इतना मान निकलता है। याद रखना हमेशा मुक्त ऊर्जा माइनस में होती है। ये लीजिए, ये आपका हो गया है कौता गा क्वेश्चन। अब आए घा, विस्मांगी उत्प्रेरक के अधिशोषण सिद्धांत को समझाइए, विस्मांगी उत्प्रेरक के अधिशोषण सिद्धांत को समझाइए। पहले तो आप जानते हो उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक इसको बताते हैं, वे उत्प्रेरक जिनमें रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, विस्मांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, विस्मांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं विस्मांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक और विस्मांगी उत्प्रेरक भी आपको, पहले है समांगी उत्प्रेरक, उसके बाद में आप समझ पाएंगे विस्मांगी। समांगी उत्प्रेरक एक होता है विस्मांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक जब, जैसे ये सल्फर डाइऑक्साइड है, गैस होती है, क्या होती है गैस, इसका पुनः ऑक्सीकरण कराएं किसकी उपस्थिति में, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये किसका कार्य कर रहा, उत्प्रेरक और ये क्या है एक गैस है, क्या है गैस। जब पद अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो ऐसे उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं, और ये बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो दो का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर आपको पूरे ऑक्सीजन मिल जाएंगे, दो दूनी चार, ये भी गैस। अब विस्मांगी उत्प्रेरक नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनती है, लेकिन यहाँ पर अमोनिया के लिए उत्प्रेरक क्या होता है, आयरन और मोलिबेडनम, यह हैबर विधि है, क्या है हैबर विधि, यह हैबर विधि है। हैबर विधि में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मिश्रण को जब हम आयरन और मोलिबेडनम, अब देखिए यह क्या है गैस, ये क्या है गैस, ये क्या है ठोस, क्या है ठोस। जब पदार्थ अभिकारक या पदार्थ की भौतिक अवस्था उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था से भिन्न होती है तो ऐसे उत्प्रेरक विस्मांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। यहाँ गैस गैस और यहाँ पर उत्प्रेरक कैसा है ठोस, और ये क्या बना देगा अमोनिया। तो यहाँ पर तीन का मल्टीप्लाई करिए, ये आपका उदाहरण है। जब पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था से भिन्न होती है तो ऐसे उत्प्रेरक विस्मांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्रियाविधि, अब आपको बताना है क्रियाविधि, देखो क्रियाविधि, क्रियाविधि ऐसे उत्प्रेरक जैसे ठोस, उत्प्रेरक कैसा ठोस, जैसे ये आयरन आयरन आयरन, इनकी संयोजकताएं मुक्त संयोजकताएं इन पर पाई जाती हैं क्योंकि ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, उनकी डी कक्षा में, बेटा डी कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसीलिए ये डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अधिकांश डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब देख लीजिए इनकी क्रियाविधि, जैसे हमने नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को लिया तो इनके जो मुक्त संयोजकताएं, ये फ्री बॉन्ड जो आसपास पाए जाते हैं ये मुक्त संयोजकताएं, और इनमें मोलिबेडनम इनकी ताकत को बढ़ाता है। मान लिया यहाँ मोलिबेडनम फंसा हुआ है, ये मोलिबेडनम है, ये इनकी क्रियाशीलता को सिर्फ बढ़ाने के लिए है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने का मल्टीप्लाई है, तीन का है, ये क्रियाविधि बता रहे हैं आपको,
ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण ले लिया एक अनुपात 3 में, ये उत्प्रेरक पड़ा है। तो उत्प्रेरक क्या करता है, इन गैसों को अपनी इन सक्रिय केंद्र, इन्हीं के ऊपर सक्रिय केंद्र पाए जाते हैं, इन ये जो रेखाएं खींची हुई हैं इन्हीं के ऊपर सक्रिय केंद्र पाए जाते हैं, कुछ नक्शा ऐसी डिजाइन बनी होती है और इन्हीं पर क्या होता है ये गैसें अधिशोषित हो जाती हैं। कैसे अधिशोषित होती हैं अभी हम बता रहे हैं, जैसे एन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एन हाइड्रोजन 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 एन, ये ऐसे इन सक्रिय केंद्रों पर अधिशोषित हो जाती हैं, अधिशोषित हो जाती हैं और इनके बीच में बंधों का निर्माण कर देती हैं। ये क्या बन गया, एक अमोनिया, और ये क्या बन गया, एक अमोनिया। ये देख लीजिए, ये अमोनिया को बना देते हैं और तापमान कितना खर्च होता है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर क्या होता है अमोनिया बनकर तैयार हो जाती है। उत्प्रेरक की वही क्रिया विधि होती है, उत्प्रेरक का गुण है कि अभिक्रिया को करके स्वयं अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं बेचारे, स्वयं अभिक्रिया के अंत में हट जाते हैं। ये लीजिए, ये लो, उत्प्रेरक बाहर हो गया, अपना काम करने के बाद उत्प्रेरक बाहर हो गया, ये लीजिए संयोजकताएं हट गई, उत्प्रेरक बाहर हो गया। ये क्रिया विधि होती है उत्प्रेरक की, और वो भी विषमांगी उत्प्रेरक की, क्योंकि लोहा ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये कहाँ लगे हैं, मोलीबेडनम 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 मोलीबेडनम, ये इनकी क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। ये लीजिए आपका प्रश्न हल हो गया। ऐसे ही आप बड़ी सरलता से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसको सीखिए, और ऐसे ही आते हैं। याद रखना, लोग समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक को धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक में लिखाते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आप हमसे जुड़े हैं तो बिल्कुल सही FM बजा देना है। क्या बजाना है, इस प्रैक्टिस सेट का, इस अनसॉल्व का FM बजा देना है। तो FM बज चुका है, क्या बज गया है, दूसरा प्रश्न हल हो गया है। और ऐसे ही हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए और खुश रहिए, ठीक है, धन्यवाद।